अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट किस टाइम करना चाहिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का क्या किरदार होता है, और ग्राफ को एनालाइज करेंगे किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है और कहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये हमारे सामने एक मंथली रिपोर्ट है। मंथली रिपोर्ट में आप देखें क्या जबरदस्त रिपोर्ट है। पीपी जो है जो 555% आप है, विफ जो है 719% फ्लो की इसी तरह। तो क्या आप में से किसी ने ये वाली गेन हासिल की है? मिसाल के तौर पे अगर आपने एक $100 लगाए हैं, $100 जो पाकिस्तानी 30,000 के करीब बनते हैं, तो आपके 571 प्रॉफिट पे वो $100 5 टाइम मल्टीप्लाई कर जाना चाहिए था, यानी $600 आपके पास होना चाहिए। क्या किसी ने इन्वेस्ट किया है, कमाए हैं इतने पैसे? तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर नहीं कमा सके तो इंशाल्लाह हमें फॉलो करें, ऐसी स्ट्रेटेजी से आपको काम करवाएंगे, इंशाल्लाह आपको लॉस नहीं होगा, अर्निंग जरूर होगी। ठीक है, तो ये रिपोर्ट्स देखने, कितनी जबरदस्त किस्म की रिपोर्ट है इस दफा क्रिप्टो की। तो चलते हैं, ठीक है, ग्राफ की तरफ चलते हैं। हम ग्राफ देखते हैं, अभी बिटकॉइन का ग्राफ हमने खोला हुआ। जी, मैंने बिटकॉइन का ग्राफ ये खोला हुआ है, बिटकॉइन का ग्राफ 1 आवर पे खोल, 1 डे पे खोल लेते हैं सॉरी। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको गाइड करता हूँ कि सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस किस तरह से वर्क कर रही होती हैं। अभी ये पुरानी मेरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो इसको आप इग्नोर कर दें, अभी मैंने अपडेट नहीं की हुई। तो कुछ तो वर्क कर रही है, कुछ नहीं कर रही है अभी, लेकिन ग्राफ जैसे जैसे नया ग्राफ बनता है तो इसी तरह ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपडेट होती रहती है। ठीक है, तो अभी देखें, एक हमारी पुरानी रेजिस्टेंस लगी हुई थी 51,000 पे। ठीक है, उसको उसने क्रॉस किया, रिटेस्ट किया और इतने बड़ी अप मूव की है। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा मतलब इनको आपको एनालाइज करना पड़ेगा, ये सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस होती क्या है। मिसाल के तौर पे अभी मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ। यहाँ पे जब BTC 19,000 20,000 पे ट्रेड कर रहा था, तो यहाँ से BTC ने अप मूव किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी रेजिस्टेंस थी। अब ये रेजिस्टेंस को आप देखें कि BTC ने किस हद तक स्ट्रगल किया। BTC को ये रेजिस्टेंस बार बार इसने क्रॉस करने की कोशिश की, डंप हुआ, फिर कोशिश की, फिर डंप हुआ, और तकरीबन ये 1 डे का ग्राफ है, तो कम से कम आपको कि 2 महीने की ये कैंडल होगी, ये 60 के करीब कैंडल्स होंगी। तो ये कैंडल ग्राफ होता है, मैं आम अल्फाज में आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके, ये कैंडल ग्राफ होता है। एक जो लाइन होती है हमारी, इसको कैंडल बोलते हैं। ठीक है, 1 डे का मतलब है एक लाइन जो है, एक कैंडल जो है 1 डे के बेस पे बनी हुई है। ठीक है, तो उसके बाद देखें, फिर BTC ने इसको क्रॉस किया। ठीक है, फिर BTC ने इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, तो उसके बाद BTC ने रुकना मुश्किल हो गया। ठीक है, BTC अच्छी मूव कर गया। तो अभी हम अगर BTC को एनालाइज करें, तो यहाँ पे अब BTC 68,000 पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे BTC ने एक और तो यहाँ पे BTC ने एक सपोर्ट पे टच किया है, ये वाली सपोर्ट पे टच किया, तो BTC वापस अप चला गया। लेकिन यह कि ये एक छोटी सी मतलब कह लें कि एक आरसी सी मतलब सपोर्ट है, इसको BTC होल्ड करना बड़ा मुश्किल है BTC के लिए। तो अभी मुझे जो उम्मीद नज़र आ रही है, अभी कुछ कह नहीं सकता, 1-2 दिन में BTC की सिचुएशन कंफर्म होगी। लेकिन अलहमदिल्ला अलहमदिल्ला 74,000 पे मैंने कंफर्म बताया था BTC यहाँ से डंप करेगा, आरजी एक डंप करेगा, BTC को करेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो अभी फ़र्ज़ करें, अगर जूम आउट करें, मज़ीद जूम आउट करें, तो हमारा ग्राफ BTC का चल कर रहा है, तो अभी भी BTC में अप ट्रेंड आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, इसमें किसी किस्म का कोई मजायका नहीं है। वो BTC का अप ट्रेंड हो सकता है कि ये हमारी ट्रेंड लाइन को, जो हमारी तकरीबन 4 साल की बेस पे ट्रेंड लाइन काम कर रही है, इसको टच करेगा। ठीक है, तो वो अब देखते हैं, देखना ये है कि BTC यहाँ से ही अप जाता है, या BTC थोड़ी सी मजीद करेक्शन करके यहाँ से इसको टच करके, फर्ज करें 52,000 को दोबारा से इसको मतलब BTC टच करता है, ये देखना बाकी है अभी। तो ये आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। हमारा एक टेलीग्राम का ग्रुप है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री है। वहाँ पर हम कॉइन्स अक्सर डिस्कस कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, उनका प्रॉपर टारगेट एरियाज बता रहे होते हैं, उनकी बाइंग पोजिशन बता रहे होते हैं। तो एक ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी के मुताबिक हम काम करवाते हैं, जहाँ पर आपका लॉस बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर थोड़ी सी मजीद बात करें किसी और कॉइन को देखते हुए, यानी गाला पे हम चले जाते हैं। फ़र्ज़ करें गाला पे अभी जो हमें जो रेजिस्टेंस नज़र आ रही थी, जब गाला अप जा रहा है, तो मैं आपको रेजिस्टेंस आपकी इसको आइडेंटिफाई करता हूँ, ये गाला की रेजिस्टेंस थी। ठीक है, यहाँ पे जब गाला अप जा रहा था, तो ये गाला की रेजिस्टेंस थी, इस गाला की, गाला ने रेजिस्टेंस को जो है ब्रेक किया, ब्रेक करके एक अच्छी मूव की है। अभी जो गाला रिटर्न किया है, एक ये रेजिस्टेंस थी, यहाँ से इस पेज पे गाला ने रिटर्न किया, तकरीबन 88 नज़र आ रही है आपको वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से रिटर्न किया। अभी जो सपोर्ट को देखा जाएगा, तो ये सपोर्ट थी। ठीक है, ये वाली सपोर्ट, ये वाली, ये जो एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे गाला ने टच करके दोबारा थोड़ा सा अप ट्रेंड मूव किया। तो ये इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। ये मजीद इसके मतलब रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे हम वीडियोस बनाएंगे, तो RSI भी बनाएंगे, यहाँ पर हमें फॉलो करें, थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस हम आपको देते रहते हैं। इसके अलावा मजीद टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर हम सिग्नल भी देते हैं, वहाँ पर हम आपको गाइड करते हैं कि कौन सा कॉइन किस मौके पर लेना चाहिए, कितना प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है। ठीक है, हमारी ट्रेड में हम कोशिश करते हैं कि हमारी ट्रेड में एटलीस्ट हमारे जो, और ये कोई पेड ग्रुप नहीं है, बिल्कुल फ्री ग्रुप है, आप टेलीग्राम के ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं हमें। आज अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा,
अल्लाह हाफिज़।